पीला चीज सोना नहीं होता है और हर भगवा पहना आदमी संत नहीं होता है, ये बात समझ लीजिए। वो जो है वहां पे जो उनकी सेना है हिंदू युवा वाहिनी, वो साफ साफ कहती है गोडसे जिंदाबाद और गांधी मुर्दाबाद। ये देश के मिलेनियल जनरेशन को ये मालूम होना चाहिए। 90 में 92 के बाद एक जनरेशन पैदा हुआ जो वोट किया है, फिर भी करेगा, वो बाबरी को टूटते हुए नहीं देखा है। उसको तो बस ये लगता है कि एक मस्जिद थी तोड़ दी, लेकिन जब वो अपने लॉजिक से सोचता है तो उसको ये समझ में आता है, क्योंकि वो साइंस पढ़ा है। अगर भगवान ने ये पूरे ब्रह्मांड को बनाया है तो भगवान सिर्फ अयोध्या में है कि ब्रह्मांड के हर हिस्से में भगवान है, ये लॉजिकली वो समझ सकता है। फिर उसको ये अपने आप समझ में आती है कि मस्जिद मंदिर बनाने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए बनाई गई है। मंदिर बनना होता बन गया है, मस्जिद टूटने से सरकार बनती है, मंदिर बनाने के लिए क्या दिक्कत है। इस देश में हजारों मंदिर और लोगों के पूजा पाठ करने के अपने अलग अलग तरीके हैं। लिटरली इस देश का जनरेशन डायवर्सिटी को समझ रहा है कि कैसे उसके डायवर्सिटी को खत्म किया जाए। एक एग्जाम्पल आप समझिए, मैं जब छोटा था तो हमारे पास सिर्फ एक चैनल था, दूरदर्शन, सिर्फ एक चैनल। उसके बाद केबल आया, उसके बाद हम लोग चैनल बदलने लगे। लगता था दुनिया मुट्ठी में है, मन करे तो कार्टून देखेंगे, मन करे तो जो है जी न्यूज देखेंगे। और जब डीडी न्यूज खोलते थे तो सरकार की प्रशंसा हो रही है, सरकार आपकी थी, किसी की भी रहती है, किसी की भी रहती है, सरकार की प्रशंसा हो रही है। लेकिन दूसरे चैनल पे सरकार की पॉलिसी का ऑपरेशन किया जा रहा है, तो लगता था अरे दिन भर सरकार की प्रशंसा कर रहा है, यहाँ सामने निकलते हैं तो हमारा गटर का पानी जमा हुआ है, जाते हैं तो हर जगह जो है हमको घूस देना पड़ रहा है। तो उसके अंदर एक गुस्सा था, तो जब वो जी न्यूज देखता था तो खुश होता, अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि उसके सोचने की जो डायवर्सिटी है उसको किल किया जा रहा है, क्योंकि डीडी न्यूज पे भी प्रशंसा हो रहा है और जी न्यूज पे भी प्रशंसा। अरे भाई, हमारे पास प्रशंसा के लिए डीडी न्यूज था, जी न्यूज इसके लिए नहीं। और ये आप देखिए कि प्रधानमंत्री का जो पिछले 4.5 साल का रिजिम है, हम लोग क्या बोलेंगे, हमारी आवाज कितनी दूर तक जाएगी। इस देश का जनरेशन उनसे सवाल पूछ रहा है, काउंटर कर रहा है उनके लॉजिक को कि आप लॉजिक नहीं दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, सीधा सीधा बताने में क्या दिक्कत है। और ये सीधा सीधा इस देश के यंगर जनरेशन के माइंड को अट्रैक्ट करता है। आप एलईडी बल्बों का दाम बता सकते हैं, राफेल का बताने में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। आप जो है काउंटिंग गिना रहे हैं, हम इतना शौचालय बनवा दिए, तो बता दीजिए ना कि आपने कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा दिया। जिस जनधन को आप अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट समझते हैं, कितने जनधन खातों में पैसा पहुंचाया गया। इंटरेस्टिंग बात समझिए, पहले खाता खुलवाया और फिर कहा कि मिनिमम बैलेंस पे पैसा कटे। किसका रहता है मिनिमम बैलेंस, दिल पे हाथ रखते थे, स्टूडेंट का, रिक्शा वाले का, किसान का, मजदूर का, महिला का, इन लोगों का ही रहता है ना मिनिमम बैलेंस। किसका पेट काट रहे हैं, किसको पहुंचा रहे हैं, ये साफ साफ दिखता है इस देश में हो क्या रहा। और ये जो यंगर जनरेशन के क्वेश्चन है, उनको फिर लग रहा है कि हम मंदिर मस्जिद करके जो है इसको डाइवर्ट कर दें, वो भूल में, और ये गुस्सा दिखना शुरू हो गया है। लेकिन ये गुस्सा आज भी उस स्तर पे नहीं पहुंचा है कि कोई भी अच्छा लगने लगे, ये अभी भी वहां है। तो उसके लिए जब तक कि हम लोगों को समझ में आए, जैसे 4.5 साल समझ में आया, ब्रेकअप होने के बाद पता चला कि प्यार क्या होता है, 3D प्रचार देखने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऐसा हूबहू ऐसा जरूरी नहीं। जैसे डीओ का प्रचार आता है टीवी पे, ऐड आता है, डीओ लगाइएगा लड़की गिरती है, रोड गिरी है आज तक, लगा के देखे हैं किसका मुंह गोड़ा हुआ बता दी, फेरन लबली लगाने से। तो प्रचार जो है, उस प्रचार का सच सामने आने में भी वक्त लगता है। बाबा रामदेव नहीं है, लाला रामदेव है, दुनिया को जानने में वक्त लगा कि भाई ये स्वदेशी वदेशी कुछ नहीं है, ये तो जींस बेच रहे हैं, इसमें कौन सा स्वदेशी हमको समझा दीजिए, और कौन सा स्वदेशी में हम फेस वॉश लगाते हैं, हम लोग तो हल्दी चंदन लगाते हैं स्वदेशी में, तो फेस वॉश लगाने की क्या जरूरत है। तो लोगों को बिजनेस समझ में आया, मोदी जी का भी बिजनेस लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है, ये बिजनेस समझ आ रहा है। लेकिन जब तक कि हम किसी को अपना एक विकल्प बनाए, तब तक उनको लगता है जिस किसी सरकार का एक चीज अच्छा लगता है उसकी हमको प्रशंसा करनी चाहिए। मैं मोदी जी से ही शुरू करता हूं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम हमेशा मोदी जी के खिलाफ होते हैं, हम नहीं उनके खिलाफ, वो खुद अपने खिलाफ, खुद अपनी सरकार के खिलाफ। एक बात बताइए, एक एग्जाम्पल से मैं पूछ रहा हूं,
डीडी न्यूज पे कभी मोदी जी कॉन्क्लेव करने के लिए गए? कहाँ गए थे? रिपब्लिक की। किसकी प्रशंसा करके आए हैं? मिशन मंजूरू। क्या प्रशंसा करने लायक है उसने? मिशन मंजूरू क्या? उसको वो बोले कि सबसे अच्छा पत्रकार है, बताइए। और वो चला कहाँ पे है? डीडी न्यूज का अपना कॉन्क्लेव नहीं हुआ, वो रिपब्लिक का कॉन्क्लेव जो है वो डीडी न्यूज पे चला। इंटरेस्टिंग है ना? मोदी जी का फोटो एमटीएनएल के साथ देखे, बीएसएनएल के साथ, भारतीय रेल के साथ, किसके साथ? जियो के साथ। ये खुद इस देश की सरकारी संस्थाओं के खिलाफ है, इस देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं। अगर वो कुछ अच्छा करते और कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट आता प्रशंसा करते। अभी इनकी एक योजना देख लीजिए क्या है, मेक इन इंडिया। अब पटेल जी की मूर्ति कहां बनी है? चाइना में। इंडिया में है चाइना, तो चाइना में इंडिया है, मुझे बताइए सवाल का जवाब। उसके बाद क्या बोले? नोटबंदी कर रहे हैं, सारा काला धन वापस आ गया, लाल किला पे जाके बोल दी थी कि 3 लाख आ गया है। जब 3 लाख आ गया है तो 3 लाख रिजर्व बैंक से क्यों मांग रहे हैं? और 1 लाख करोड़ जापान से कर्जा क्यों लिए हो बुलेट ट्रेन चलाने के लिए? ये ना इस देश को मूर्ख समझते और खड़ा होकर के इस देश को मूर्ख बनाना चाहते। दूसरी इनकी योजना है, सब योजना को देख लीजिए, उज्ज्वला योजना। किसी भी उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों ने गैस लिया है दोबारा रिफिल कराने के लिए नहीं गए, पता चला कि ठग लिया। जितनी बार रिफिल कराने के लिए जाएंगे उतनी बार ये किस्त काटेगा, इंस्टॉलमेंट काटेगा गैस सिलेंडर का और चूल्हे के कनेक्शन का। लोग भरवाने ही नहीं जा रहे, सोच रहे बाद में इसको बेच करके कुछ खा लेंगे। उसके बाद क्या? आप देखिए कि जो दावा कर रहे हैं बिजली पहुंचाती है, पिछली सरकारों ने कितना पहुंचाया है और ये 4 साल में कितना पहुंचाया है, हर चीज का आप फैक्ट चेक कीजिए। और आप तो करें, गूगल आपके हाथ में रहता है, पॉकेट में रहता है, कर लीजिए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक्स आर्मी चीफ को मिनिस्टर बनाया गया। क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि आर्मी राजनीति से कंप्लीटली अलग रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। सर्जिकल स्ट्राइक पे कौन अपना पीठ थपथपा रहे हैं? मूवी आ रही है, देखिए प्रोपेगेंडा। ये प्रोपेगेंडा है कि आप एक इंस्टीट्यूशन की पूरी सेंटिटी को आप खत्म कर रहे हैं मेयर इलेक्टोरल लाभ के लिए। हम इस पर सवाल पूछ रहे हैं तो हमको कैसे पोर्ट्रे किया जाएगा कि आर्मी के खिलाफ बोल रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ? अगर हम आप कुरीति पे बोलिए, अंधविश्वास के खिलाफ बोलिए, आप लॉजिकल बात कीजिए तो आपको धर्म के खिलाफ बताया जाए। और इस देश में अगर आप रोजी रोटी कपड़ा मकान किसान मजदूर नौजवान महिला आदिवासी अल्पसंख्यक, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि अल्पसंख्यक के राइट को मेजोरिटी के राइट से पहले प्रोटेक्ट किया जाएगा। मेरा सवाल दोनों से है, संजय झा जी से और कन्हैया जी से, दोनों से है। संजय झा जी से मेरा ये सवाल है, मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ और सोशल मीडिया पे पूरा दिन लगा रहता हूँ। कांग्रेस का जो फोकस है ट्विटर पे जाता है, मगर ये जो फेक न्यूज है ये फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा फैलती है। हम लोग बोल बोल के थक जाते हैं कि नेहरू गयासुद्दीन गाजी के फैमिली से नहीं है, सोनिया गांधी बाल आंसर नहीं है, प्रतीक सिन्हा ने सारे के सारे फेक न्यूज बर्स्ट किए हुए हैं वेबसाइट। आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? दैनिक भारत डॉट ऑर्गेनाइजेशन, आप कुछ क्यों नहीं कुछ करते? दूसरी बात, आज कार्यकर्ता को नीचे के लेवल पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, क्यों लीडरशिप ईवीएम पे कुछ नहीं बोल रही है? बोल रही है, लिप सर्विस दे रही है। जब आते हैं हार जाते हैं चुनाव ईवीएम का, मोदी जी ने खुद बोला कि कांग्रेस जब हार जीतती है तो ईवीएम को ब्लेम नहीं करती है, हारती है तो ब्लेम करती है। कांग्रेस जीत गई फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है, ग्राउंड लेवल पर मैं आपको बता दूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 50-50 सीटें भी भाजपा को नहीं आती थी अगर ईवीएम में फ्रॉड ना होता। आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? तीसरी बात, दिल्ली जैसा माहौल मैं मुंबई का हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे पर्यावरण को ये स्मॉग वो सब नहीं चाहिए। आप आरे के लिए क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी आरे के लिए क्या कर रहे हैं? मैं आपके प्रश्न और मेरा सवाल, एक मुझे कन्हैया जी से भी बात करने दीजिए, मेन तो
मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. शायद अमिताभ बच्चन को जितना लोग फॉलो नहीं करते उतने आपको आजकल फॉलो करने लगे हैं. और फर्स्ट टाइम जब 2014 में 2015 में मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, फिर भी कांग्रेस पूरी तरह से मिजरेबली एज ऑपोजिशन फेल हो चुकी थी, उनकी अपनी मजबूरियां थी. तब आपका उदय हुआ 2015 में, वो जो एपिसोड हुआ और मैं आपका जो भाषण सुना तो मैं कुर्सी पे रो रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था. मैं एकदम से, मुझे अभी भी इमोशनल लग रहा है आपको देख के. मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि कन्हैया मेरे सामने बैठा है. नहीं, छू के देंगे. और दूसरी बात है, कुछ कुछ इश्यूज जो होते हैं एज कांग्रेस सपोर्टर या एज मुझे लेफ्टिस्ट बोल दीजिए, कुछ कुछ भाजपा के मुद्दे सही होते हैं. हाँ, आपका प्रश्न क्या है कन्हैया? मेरा प्रश्न ये है, जावेद अख्तर ने बीच में बोला था कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गए हैं हमारे यहाँ पे, शहर नहीं बन रहे हैं, सारा जो फोकस है मुंबई की तरफ, दिल्ली की तरफ. तो मेरा ये सवाल है, आप कांग्रेस सरकार आएगी उसके बाद? चलिए मैं आपका प्रश्न का जवाब देता हूँ, जब तक आप अपना प्रश्न को अपना फ्रेम कीजिए. तो संक्षेप में इतना ही बताऊंगा कि हमारे संस्कार और संस्कृति में ये नहीं है. हम एक राजनीतिक दल जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के जैसा ये जो घटिया और घिनौनी गलत जो फर्जी न्यूज का जो प्रचार करते हैं वो हम नहीं करेंगे. और इस ये हमारा एक सिद्धांत है, हमारा आदर्श है और इसको हम कभी नहीं तोड़ेंगे. इसके लिए हमें चुनाव हारना भी पड़े तो, लेकिन हम ये गलत काम कभी नहीं करेंगे. हम समझते हैं कि ये जनता का अपमान है, ये आवाम के साथ एक धोखा है. कांग्रेस पार्टी एक घोषणा पत्र में विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी धोखा पत्र में विश्वास करती है. हम लोगों को धोखा नहीं देंगे, हम गलत वादे नहीं करेंगे. जहां तक ईवीएम का सवाल है, मैं समझता हूं कि बहुत ही अहम विषय है. अपने पार्टी की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बड़ा ही एक गंभीर मसला है. कांग्रेस पार्टी ये नहीं कहती कि हम चुनाव जीत गए तो ईवीएम ठीक है. हम ये नहीं कहते कि चुनाव हार गए तो मतलब हम रो रहे हैं बच्चों की तरफ. हम कह रहे हैं कि यदि आप लोग इस कमरे में, आपने एक पार्टी को वोट किया और कुछ लोगों ने दूसरे पार्टी को वोट दिया, हर वोट उसी पार्टी को जाना चाहिए जिसके लिए आपने वोट किया. ये प्रजातंत्र का एक मजाक है. यदि आप लोग इस तरफ एक पार्टी को वोट दिया है उसमें से वो वोट किसी दूसरे पार्टी को चला जाए तो क्या ये लोकतंत्र का ये हालत होना चाहिए? आप ही बताइए. ये तो बड़ा नाजुक है, बहुत निर्बल है हमारा लोकतंत्र. तो कांग्रेस पार्टी यही कहती है कि चाहे वो वीवीपैट्स हो, रिकंसिलिएशन के लिए बड़ा सैंपल हो, ये सब समस्याएं इस पर हम लड़ रहे हैं. हम यहां तक उच्चतम न्यायालय तक पहुंच चुके हैं और इस पर कांग्रेस पार्टी अकेले ही नहीं, हम समझते हैं कि बाकी विरोधी दल सब एक साथ है, एक महागठबंधन, और बाकी लोग भी हमारे साथ इस पर इत्तेफाक रखते हैं. ईवीएम पर आपकी भी कुछ नजरिया होगी करें? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन रिक्वेस्ट है, फैन मत बनिए, मुझे फ्रेंड की जरूरत है. बोलो, मुझे इस देश में दोस्तों की कमी महसूस हो रही है. सो बी फ्रेंड, फैन का जरूरत नहीं है. वैसे सब लोग एसी लगा के घूम रहे हैं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मेरी आदत है मजाक करने की. दूसरा जो है, ये जो आपने सवाल पूछा ना, एक्चुअली उसमें आप शायद ये कहना चाह रहे हैं उनसे, वो कांग्रेस वाला जवाब यही देंगे, हम स्पोक्स पर्सन नहीं है, यही देंगे. पहले जो पार्टी थी, पहले पार्टी वर्कर पे चलती थी, पार्टी वर्कर पे, अभी टीवी एंकर पे चल रही है, पूरा टीवी एंकर पे. और ये जो परिस्थिति आई है वो आपको चारों तरफ यही दिखाई देगा. जैसे आप बिग बॉस खोल लीजिए, ठीक है, और वहां भी जो है लड़ रहे हैं दो दो पर. अभी क्या है, तो नाटक किए हो यार, एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, सबको पता है, फिर भी असली लड़ाई लड़ते हैं. बिग बॉस आप कभी देखिए, आप WWF देखिए, आप कोई भी न्यूज चैनल देख लीजिए, एक भी मुद्दे की बात नहीं होगी. शिक्षा का बात नहीं, किसान का बात नहीं, रोड का बात नहीं, सिविल राइट्स का बात नहीं, डेवलपमेंट का बात नहीं, लड़ाई होगा. और इनफैक्ट जिसको रियलिटी शो बोलते हैं, हंसने के लिए पैसा, रोने के लिए पैसा, पूरा स्क्रिप्ट है. तो इंसान थका हारा आया है, टीवी खोलता है, कितना दिमाग लगा है. एक लेवल पे उसको लगता था कि न्यूज चैनल देखते हैं कुछ मीनिंगफुल चीज लेने के लिए, एक लेवल पे लगने लगा कि चलो यार एंटरटेनमेंट है. आज एकदम संजय जी आज संबित पात्रा को मजा चखा दिया इस टाइप का चीज. तो यह धीरे 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 हमारे दिमाग में जो है भरा जा रहा है, क्योंकि इस कोलाहल में हम इशूज की बात नहीं कर सके.
और ऑब्वियस लाइफ जो है वो बोला जाता है, लेकिन मेरा एक बात मानना है सर, इसीलिए मैं क्यों कहां क्रिटिसाइज करता हूं, कहां असहमत होता हूं पोस्ट ट्रूथ से, ट्रूथ कभी पोस्ट हो सकता है, क्या बात करते हैं, सच सच होगा। जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको आप बदल नहीं सकते। मोदी जी ही सच छुपा के रखे ना कि हम विवाह मतलब अविवाहित है, शादीशुदा नहीं है, आया ना सच सामने, सच आ गया ना सामने। सच बदलता है क्या? सच नहीं बदलता है। यह एक काल है, यह एक पीरियड है, जिस पीरियड में ऐसा माहौल खड़ा किया गया है कि एक जनरेशन जो पैदा हुआ है 90 के बाद उसको अपनी हिस्ट्री से काट दिया जाए। लाइक नेहरू के बारे में कुछ भी लिख दीजिए, किसी के बारे में कुछ भी लिख दीजिए, वो उस सच को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये धंधा ज्यादा दिन चलने वाला है। मुझे तो इनकी भाषा बदलती ही नहीं लगा।